उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ साथ बीमारियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दी है। वहीं अब बात करें वायरल बुखार की, वो भी तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग अस्पताल आने में कतरा रहे हैं। लोगों को अभी भी कोरोना का डर सता रहा है। लोगों का मानना है कि बुखार, खांसी, जुकाम कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन हॉस्पिटल के CMS केसी पंत ने साफ किया है कि वायरल बुखार कोरोना नहीं हो सकता। साथ ही उनका कहना है कि मानसून के साथ साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें वायरल बुखार भी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें और अस्पताल आकर उसका इलाज कराएं और एहतियात बरतें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बुखार भी उसी तरह से है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी लेवल एकदम से बदलती है और कई लोग बरसात में भीग जाते हैं, वो उसको एक किस्म से अपने काम के सिलसिले में मजबूरी में भीगते हैं, या कुछ लोग इंजॉयमेंट के लिए या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो एक्सपोजर की वजह से उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से वायरल फीवर है या अन्य फीवर हैं, टाइफाइड फीवर है, या पानी गंदा संदा चला गया, मिक्स हो गया, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन वगैरह का केसेस है। तो वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह ट्रेंड एक ही सा रहता है।